यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं एससी एसटी एक्ट को लेकर डाली गई पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अब छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का आदेश बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तरफा बयानों के आधार पर किसी नागरिक के सर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी रहे तो समझिए हम सभ्य समाज में नहीं रह रहे हैं। साथ ही जस्टिस आदर्श ने कहा कि संसद भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के जीने के अधिकार का हनन करता हो और बिना प्रक्रिया के पालन के सलाखों के पीछे डालता हो। कोर्ट ने यह आदेश अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार को संरक्षण देने के लिए कहा है। आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट में बदलाव के बाद दलितों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। तो एससी एसटी एक्ट पर अब छुट्टियों के बाद सुनवाई होगी, तब तक जो आदेश है वो इसी तरीके से बना रहेगा। साथ ही साथ मौजूदा आदेश जो फिलहाल है उसे जारी रखा जाएगा, तो एससी एसटी एक्ट पर अब छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि एससी एसटी एक्ट में बदलाव को लेकर एक बड़ा आंदोलन भी किया गया था, लेकिन फिलहाल मौजूदा आदेश जारी रहेगा।